आज मैं आपको एक्जोटिक काउ ब्रीड यानी गाय के विदेशी जातियों के बारे में कुछ बता रहा हूँ। पहली बात तो जो इसका जूलॉजिकल नेम है बास टारस होता है। सबसे बड़ी पहचान इसमें कूबड़ नहीं होता है, विदेशी गायों में कूबड़ नहीं होता है। और भारतीय क्लाइमेट जो बहुत गर्म जलवायु है उसके लिए ये सूटेबल नहीं होती हैं। खासकर जितनी भी एक्जोटिक नस्लें हैं सब ठंडे जलवायु के लिए उपयुक्त होती हैं। और इसको समझने के लिए जो बास इंडिकस है यानी देसी नस्लें तथा बास टारस में जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको जानना ज़रूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कूबड़ यानी हम्प जो देसी में उपस्थित होता है तथा विदेशी में अनुपस्थित होता है। गल कंबल देसी में खूब विकसित होगा और विदेशी में बहुत कम, या तो होगा ही नहीं या तो बहुत कम विकसित होगा। और इसकी कमर जो है ये छठवां अंतर, इसमें जो है इंडियन काउ में ये झुकी होती है धनुष के आकार की, लेकिन विदेशी में सीधी होती है। और जो सीत होता है ये नाभिदंड बोलते हैं इसको, देसी में काफ़ी लटका होता है और विदेशी में कम विकसित होता है। नौवां पॉइंट है जैसे महत्वपूर्ण, प्रतिकूल जलवायु को सहन करने की क्षमता, ये हमारे बास इंडिकस में अधिक होता है और बास टारस में कम होता है। इसके अतिरिक्त डिजीज रेजिस्टेंट भी देसी में अधिक है, विदेशी में कम। विनिंग का मतलब है जो गाय जब बच्चा देती है तो उसको बिना देखे ही बच्चे को हटा दिया जाए, तो देसी में तो बहुत कठिन है लेकिन विदेशी में बहुत सामान्य है, ज़्यादा प्रचलन में है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्योबरिटी एज, परिपक्वता की उम्र देसी में 24 से 36 माह और विदेशी में 15 से 18 माह। उसी तरह एज एट फर्स्ट काउइंग, प्रथम बार बच्चा देने की उम्र देसी में 3 से 3.5 वर्ष, विदेशी में 2 से 2.5 वर्ष। काउइंग इंटरवल, दो ब्यात का अंतर, देसी में 18 से 22 माह, विदेशी में 13 से 14 माह। ड्राई पीरियड, देसी में मोर देन 60 डेज, विदेशी में लेस देन 60 डेज। मिल्क प्रोडक्शन, देसी में कम विदेशी में अधिक। फैट परसेंटेज, देसी में 4 से 4.5 और विदेशी में 3 से 3.8। ये औसत है, वैसे तो जर्सी गाय में दूध उत्पादन बहुत, फैट प्रोडक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है, 5.3 से 5.6%। टोटल सॉलिड, देसी में अधिक विदेशी में कम। और पानी जाहिर है देसी में कम होगा विदेशी में अधिक होगा। SNF, देसी में अधिक और विदेशी में कम होता है। तो इस प्रकार आप जो है ये देसी और विदेशी गायों का अंतर लिखकर ज़रूर याद करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।